ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। राजस्थान में रुदाली नामक एक समुदाय है। रुदालियों का काम होता है बुलावा आने पर किसी की अर्थी के सामने रोना, शोक जताना। राजस्थान में आज भी ये प्रथा हमें जीवित स्वरूप से दिखाई देती है। हमारी आज की कहानी है बावरी नाम के एक रुदाली की, जो उनके बस्ती की मुखिया थी। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। रेगिस्तान से आती हुई ठंडी हवाएं बदन को मानो चुभ रही थी। हाथों में लालटेन पकड़े हुए बावरी तेजी से चल तो रही थी, पर झाड़ियों से आती आवाजें बता रही थी कि अंधेरे में बसने वाले कई जानवर आसपास मौजूद हैं। बावरी को उस रात हीरामन सेठ के घर बुलाया गया था। हीरामन सेठ के छोटे भाई मोतीलाल की अचानक मौत हो गई थी और बावरी उसी घर मातम मनाने जा रही थी। बाकी रुदालिया कुछ देर बाद हीरामन सेठ के घर पहुंचने वाली थी। दूर से बावरी को हीरामन सेठ का घर दिखाई दिया और उसकी चाल जरा सी धीमी हो गई। बावरी एक अनुभवी रुदाली थी। मौत का साया उसे दूर से ही महसूस हो जाता था। बावरी ने एक बार अपने हाथ पर बांधा हुआ ताबीज छुआ और आगे बढ़ी। चलिए ना, अंदर चलिए। हाँ। बावरी आ गई, चलो शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मोतीलाल जी की अचानक कैसे मौत हो गई? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है बावरी, तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। नहीं हीरामन जी, हम शौक नहीं जताएंगे जब तक मुझे आप इनकी मौत का कारण नहीं बताते। बावरी क्या कह रही है, हीरामन जी से सवाल पूछेगी तू? चुपचाप अपना काम कर और चलती बन। हम रुदाली जरूर है, लेकिन मैं अपनी बस्ती की मुखिया भी हूँ। मेरे हर रुदाली की सुरक्षा मेरा पहला लक्ष्य है। मोतीलाल जी की मौत आम हालात में नहीं हुई है शायद। यहाँ मुझे कोई अघोर साया महसूस हो रहा है। आप किसी और बस्ती से रुदालिया बुला लीजिए, लेकिन हम में से कोई आज शोक नहीं जताएगा। चलो सब। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा बावरी, याद रख। रुक जा बावरी। सुनिए, आपने शोक जताने से मना क्यों किया? छाया, समझ आने के बाद से हम यही काम करते आ रहे हैं। यूं समझो जिंदगी से ज्यादा हम मौत के साथ रहते आए हैं। इतने सालों में मौत से इतनी गहरी पहचान हो गई है कि उसके हर पहलू हम जान सकते हैं। मोतीलाल की मौत अघोर मौत है, उसके शव पर रोना खतरे से खाली नहीं। मुझे ये महसूस हुआ कि जो उसके शव पर रोएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी साथी खतरे का सामना करे। चलो। बावरी ने शायद उस रात बस्ती की रुदालियों को बचा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उन पर क्या गुजरने वाली थी इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन से ही बस्ती का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। दिन तो ठीक ठाक कटता था, लेकिन रात में खाना खा ले और जल्दी सो जा, कल अपने बाबा के साथ बकरियां चराने जाना है, चल जल्दी। माँ कैसी आवाज है? चुप रहो। बावरी जी को ये बताना होगा, ये अच्छा संकेत नहीं है।
रात में कई बार ऐसी आवाजें आती है। डर के मारे हम सबका बुरा हाल हुआ था। बावरी जी, ये सब क्या हो रहा है? ये ना हो इसलिए मैंने हीरामन सेठ के पास रोने के लिए मना किया था, पर पता नहीं फिर भी वो साया हमारे बस्ती तक कैसे पहुंच पाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये जानने तक कोई रात को बस्ती से बाहर नहीं जाएगा, ना कोई अपने घर के किसी सदस्य को बाहर जाने देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आज ही यमराज के मंदिर जाकर महंत से मिलती हूँ। ये जो भी है अच्छा तो नहीं है। तब तक सभी सावधान रहना। उसी रात बावरी के मना करने के बाद भी बिमला पानी लाने के लिए अपने बस्ती से दूर गई। बिमला चलकर बस्ती की तरफ आ रही थी कि उसे झाड़ियों में से किसी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। डरी हुई बिमला तेजी से चलने लगी, लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ते ही झाड़ियों से आती हुई गुर्राहट भी बढ़ गई। बिमला ने पानी का मटका फेंक दिया और वो बस्ती की तरफ दौड़ने लगी, पर अचानक किसी अजीबोगरीब जानवर ने उस पर झपटा। बिमला छूटने की जी तोड़ कोशिश करती रही, पर वो जानवर उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया। सुनाई देती रही तो बस बिमला की चीखें और उसका दर्द में कराहना। आंखें देखो बिमला की, सूजन से कितनी फूल गई है। जरूर इसे बहुत दर्दनाक मौत आई होगी। सवाल ये है कि आखिर बिमला ही क्यों? हमने हीरामन के घर शोक नहीं जताया। ये हादसा होना ही नहीं चाहिए था। जरूर बिमला से कुछ गलती हुई है। सच बता भीवा, तुम कुछ जानते हो? उस रात आप सब लौट आई, सब अपने घर गए, तभी हीरामन का आदमी आकर बिमला से मिला। उसने ज्यादा पैसे दिए बिमला को। मैंने लाख मना किया, पर पैसों के लालच में बिमला ने एक न मानी। देर रात वो मोतीलाल के शव पर शोक जता कर ही लौटी। अब ये कहानी जल्दी खत्म नहीं होगी। बिमला अकेली तो नहीं गई होगी, और कौन था उसके साथ बताओ? कौन गया था उसके साथ? उस रात बिमला के साथ कौन था? रुदालिया कभी अकेले शौक नहीं जताती। बिमला ने पैसों के लालच में अपने साथ और रुदालियों की जानें भी जोखिम में डाल दी थी। मोतीलाल की मौत के साथ शुरू हुआ ये चक्र अब कहां जाकर थमेगा, ये कोई नहीं बता सकता। के पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं, और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।